देखते हैं अर्टिगा गाड़ी है, इसका एसी सर्विसिंग होगा। इसके अंदर हुआ क्या है, कंडेंसर खुला के खोल के पहले रखा हुआ था, तो इसमें देख सकते हैं इधर पाइप में कुछ कपड़ा उपड़ा नहीं बांधा और काफ़ी अर्सा चल गया लगता है, मेरे को लगता है 6 मंथ ऐसा कुछ चल गया गाड़ी। ठीक है, अब इसके अंदर पूरा कचरा भर गया रहेगा तो इसको हम पहले क्लीन करेंगे, और देख सकते हैं इसके अंदर पानी भी अंदर घुस चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइपलाइन क्लीन करेंगे, उसके बाद फुल एसी का सर्विसिंग होगा और आपको दिखाएंगे, और तब तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें। और देख सकते हैं इधर से ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, और इधर से हमने खोल दिया एक्सपेंशन वाल से, देख सकते हैं इधर ये वाला पाइप, ठीक है, एक्सपेंशन वाल से खुल चुका है, और इधर से हम हवा मारेंगे, उधर कचरा निकलेगा। देख सकते हैं कैसा पानी निकला, पूरा भीग गया, इसको फिट कर देंगे, ठीक है। और देख सकते हैं ये हम पाइप से, हाँ ये एक्सपेंशन वाल का पाइप है, तो इसको खोला था मैंने, खास करके पानी चला गया था अंदर, इसके लिए साफ़ कर दिया मैंने इसको। और देखें इंटरकूलर से कितना ऑयल निकल रहा है, सेंसर फिट किया है भाई, फिट कर रहा है, ऐसा बना इधर 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 देख, इधर देख इधर, ऐसा बनाना है, ठीक है। और देख सकते हैं ये फिट कर रहा है अभी एसी कंप्रेस, ये कंडेंसर, ठीक है, और ये रहा रिसीवर ड्रायर। और देख सकते हैं ये पूरा वैक्यूम हो रहा है, और वैक्यूम होने के बाद अब हम कंप्रेसर ऑयल डालेंगे, ठीक है, वैक्यूम करने के बाद हम कंप्रेसर ऑयल डालेंगे। कंप्रेसर ऑयल डाल रहे हैं, देखते हैं 1 कप कंप्रेसर ऑयल डालेंगे। इधर से हम ये लगा के रखेंगे और धीरे धीरे खोलेंगे, इधर देख सामने देखो, अब हम फिर इसको लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट होने के बाद इसमें फिर से वैक्यूम करेंगे। और फिर से इसको वैक्यूम पे लगाए हैं, और देख सकते हैं ये जो है मैंने लगभग आधा घंटा छोड़ दिया ऐसा ही, और बिल्कुल लीक नहीं कर रहा, देख रहे हैं काटा जहीं का तहीं अटका हुआ है, और प्रेशर लीक नहीं है, कहीं भी गैस लीक नहीं है। अब इसमें हम एसी गैस को फिलअप करेंगे और गाड़ी को रेडी करेंगे, और देखते रहें। और देख सकते हैं ये वाला है जो रहा हमारा गैस डालने के लिए, ये निपल, ठीक है, अब इसको हम फिट करेंगे इस तरह करके, इसको पूरा पूरा कस लेना है, उसके बाद ये वाला इसको इस तरह फिट कर देना, ठीक है, और इसको फिट करने के बाद जब इसको हम ये अंदर टाइट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर होल हो जाएगा, ठीक है, और देख सकते हैं, और ये पाइप हमने खोल लिया, और ये यहाँ पे पाइप लगाएंगे, अब इसके अंदर होल मारेंगे, ये होल हो गया इसके अंदर, ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो सप्लाई हमारा जो हो जाएगा वो गैस चालू हो जाएगा, इधर से जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इधर देख सकते हैं, और इसको एक साइड कर देंगे, ऐसा रख देंगे, और फिर यहाँ जाएंगे और हल्का सा
थोड़ा साइड ले, पीछे ले, हाँ इतना इतना पे रख, और हल्का सा इधर से एयर निकालेंगे, ठीक है। देख सकते हैं एयर निकल गया। अब इसको हम धीरे 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 खोलेंगे तो गैस हमारा सप्लाई होना शुरू हो जाता है। और देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ, इधर से गैस जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसको बिल्कुल धीरे धीरे खोलना है, जितना धीरे 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 जाएगा इसके अंदर, ठीक है। देख सकते हैं, और ये इसके अंदर गैस सप्लाई हो रहा है, और ये हमारा पाइप और इसमें लगा हुआ। इसके बाद हम गाड़ी को अब स्टार्ट करेंगे और गैस इसे चालू करने के बाद जितने भी गैस बचे हुए हैं वो चले जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट कर, स्टार्ट करो। हाँ, हमारे स्टार्ट कर, स्टार्ट करो। अरे एसी ऑन करो। देख सकते हैं हमने एसी ऑन कर दिया और गैस हमारा जा रहा है। अब इसको हम धीरे धीरे पूरा खोल देंगे और गैस को पूरा जाने देंगे। और थोड़ा इसको हम अब सीधा नहीं करके ऐसा थोड़ा रखेंगे और गैस को धीरे धीरे इसके अंदर हम फिल होने देंगे। और साथ में इधर हम ये भी चेक करेंगे। और साथ में टेम्परेचर भी चेक करेंगे, ये अभी ठीक है। अभी भी हमारा गैस पूरा जा रहा है, देख सकते हैं। और टेम्परेचर और अभी तक गैस और जाएगा। देख सकते हैं लगभग 50 के आसपास हो गया, यानी 50 के आसपास हो गया, तो हमारा समझ लिए गैसी यानी पूरा गैस है इसमें 55 के आसपास ही रहना चाहिए, 50 या 55 के आसपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे से वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।